Hi, today is 1st of July 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. Before that, 30th of June के Medieval India के quiz के answers हैं. ये question था assertion reasoning based. इसका C is the right answer. मतलब, this statement A is right, but this statement is false. Persian language इतना well developed or widely in use नहीं था. So the right answer is A is true, but R is false. Second, ये था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेंसी ऑफ कॉपर कॉइन. और जो सेकंड है, ट्रेजरी वाज एम्प्टी बिकॉज ऑफ शॉर्ट साइटेड प्रोजेक्ट्स, दिस इज आल्सो वेरी ट्रू. ये दोनों करेक्ट हैं, तो द राइट आंसर इज ए. देन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था अकबर के टाइम पे. मनसबदारी मुगल्स में काफ़ी पॉपुलर था और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बोरो किया है मंगोलिया से. ये जो 40 हैं इनको 40 ही बोलते थे और ये टर्किश एरिस्टोक्रेसी की एक सेलेक्ट बॉडी होती थी यहाँ पे. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस एंड 5 आंसर ऑफ यस्टरडेज क्विज. टुडे विल टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हम वोकैबुलरी भी देखेंगे. द फर्स्ट वन इज कोर इंडस्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट फॉर थर्ड मंथ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में हम जानेंगे. देन फ्री फूड ग्रेन स्कीम टिल नवंबर. यहाँ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अभी क्या नए अनाउंसमेंट्स हुए हैं. COVID-19 के अपडेट्स हैं. देन बैंड ऐप, ये इतने सारे एप्लीकेशंस बैन हुए हैं, इसका प्रोसीजर क्या है. देन फिफ्थ इज अबाउट कोर कमांडर टॉक इन चुसुल और ये है राइनो असम डिल्यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. इसमें हम बात करेंगे इंडिया का राइनो विजन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, कंजर्वेशन एंड सॉल्यूशन. और ये जो फ्लड्स आते हैं इसमें अभी जैसे पोबीतारा सेंचुरी में क्या इश्यूज आ रहे हैं इन राइनोज के. COVID-19 शेडो ऑन अषाढ़ी एकादशी. अभी पालकी प्रोसेशंस हो रहे हैं वर्करी, इसमें COVID-19 के कारण म्यूटेड सेलिब्रेशंस हैं. स्टेट्स होल्ड द की. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनलॉक 2.0 जो आज से स्टार्ट हुआ है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन करना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाइन्थ इज अबाउट कंट्रोल नॉट डिलीट. दिस इज अबाउट दीज एप्लीकेशन. इसको ऑल दो हमने बैन कर दिया है, बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन. यहाँ पे एक काउंटर व्यू पॉइंट देखेंगे. इन एंडिंग स्टैंड ऑफ मैग्नैनिमिटी मस्ट प्रिवेल. दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल. इसमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाइना के साथ जो हमारे फेस ऑफ है, इसमें हम ऑल्टरनेट क्या अप्रोच ले सकते हैं. यूटिलाइज एमजी नरेगा टू द फुलेस्ट. यहाँ भी एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट है. गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो हमने पढ़ा था वर्सेज एमजी नरेगा और क्या शॉर्टकमिंग्स हैं. देन रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना. अगेन अ डिफरेंट व्यू पॉइंट. इसमें हम देखेंगे हम ऑल दो बिमस्टेक और BBIN को प्रमोट कर रहे हैं, बट देर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर दिस सार्क और इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. सेंटर टू फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन को प्रमोट करें, बट इन अ सस्टेनेबल मैनर. ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. 46 मिलियन गर्ल्स वर मिसिंग इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्शन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड. इसमें हम सर्टेन कंपाइलेशंस भी देखेंगे. देन 15th इज वर्ल्ड न्यूज, चाइना, US, श्रीलंका. बिजनेस न्यूज है. यहाँ हम इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे एक्सटर्नल डेट, कमर्शियल बोरोविंग, करंट अकाउंट और इंडिकेटर फिस्कल डेफिसिट एट्सेट्रा. देन दिस इज़ अ रेयर फाइन मिसलेनियस न्यूज़. आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. देन दिस इज़ मॉडर्न इंडिया क्विज 1st of July 2020. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट 35 to 40 minutes. बिफोर दैट दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स. पहला, डिसुएड. जैसे होता है परसुएड करना, मनाना, किसी एनकरेज करना चीज़ के लिए, उसका अपोजिट होता है डिसुएड, मतलब डिसकरेज करना या फिर डिटर करना. स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत फर्म्स हैं, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं. प्यूराइल. प्यूराइल का मतलब है चाइल्डिश है, इमेच्योर है. एक होता है वर्ड चाइल्डिश और एक और होता है चाइल्ड लाइक. तो दिस इज अबाउट इनोसेंस और चाइल्डिश मतलब फुलिश. सो चाइल्डिश एंड इमेच्योर. देन प्रिजुडिशियल. प्रिजुडिशियल मतलब डेट्रीमेंटल है, डैमेजिंग है वो चीज़. इम्पिंजेंस का मतलब होता है, इम्पिंज का मतलब होता है वो अफेक्ट कर रहा है आपको, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट इन अ नेगेटिव वे में वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज इम्पिंज. फिर ये वर्ड है मैग्नैनिमिटी. मैग्नैनिमिटी का मतलब है जनरोसिटी दिखाना, बड़ा दिल दिखाना, चैरिटी.
एंड टेंटामाउंट, टेंटामाउंट मतलब दिस इज टेंटामाउंट टू दैट, एज गुड और इक्विवेलेंट टू समथिंग. इनट्रांसेंजेंस, इनट्रांसेंजेंस का मतलब है रिफ्यूजल टू चेंज वंस व्यू. आपने एक व्यू पॉइंट बना लिया, अब आप उसको एविडेंस एंड नए व्यू पॉइंट्स मिलने के बाद भी चेंज नहीं कर रहे हो, दैट इज रिफ्यूजल टू चेंज वंस व्यू पॉइंट, इनट्रांसेंजेंस. देन दिस इज हैसन, हैसन मतलब स्पीड अप करना, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दबाजी का काम इज नॉट गुड, हरी स्पीड अप. देन दिस इज ब्लेटेंट, ब्लेटेंट मतलब फ्लैग्रेंट है, डन ओपनली ग्लेयरिंगली, जैसे ब्लेटेंट लाइज होते हैं. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट अस बिगिन द डिस्कशन नाउ. फर्स्ट, कोर इंडस्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट फॉर थर्ड मंथ. ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा पूरा इंडस्ट्रीज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये जो कोर इंडस्ट्री होती हैं ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट करती है और ये इंडिकेटर है हमारी इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का. इस कोर इंडस्ट्री में आते हैं ये आठ इंडस्ट्री: इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र. ये आठ कोर इंडस्ट्री 40.27% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं दिस इसमें. देन ये इसमें शार्प फॉल हुआ है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, इन सब में. सी द फिगर, द शार्प डिक्लाइन इज हियर. नाउ ये आईआईपी में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इंडस्ट्रियल इंडेक्स परफॉर्मेंसेज में, 40.27% कॉन्ट्रीब्यूशन है एट कोर इंडस्ट्रीज का. सी फर्टिलाइज़र, इसमें रिकॉर्डेड ग्रोथ हुआ है, बाकी सबका डिक्लाइन हुआ है, बस एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है ये फर्टिलाइज़र. वाई फर्टिलाइज़र में 7.5% रिकॉर्डेड ग्रोथ है अमिड ओवरऑल डिप. स्टील मीनवाइल परफॉर्म अच्छा नहीं किया है एंड दिस इज़ अ कॉज ऑफ बिग वरी. वाई? बिकॉज अगर स्टील ज़रूरी है, स्टील अगर ज़्यादा यूटिलाइजेशन है या ज़्यादा यूजेज है, दैट मीन्स इकोनॉमी इज ऑन हाई. स्टील का परफॉर्मेंस कम है बिकॉज ऑटोमोबाइल सेक्टर इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल. तो ऑप्टिकली तो जून के जो फिगर हैं वो बेटर हैं प्रीवियस मे के फिगर से, बट अभी भी दे आर नॉट गुड. ये जो फर्टिलाइजर का बेटर परफॉर्मेंस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस खरीफ सोइंग सीजन और गुड मानसून, और हमारे जो रिजर्वॉयर्स हैं अभी वो दे आर इन गुड शेप. तो दैट इज़ वाई अभी हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं एग्रीकल्चर के लिए. तो ग्रोथ इन फर्टिलाइजर सेक्शन इज बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर. ये सारे कोर इंडस्ट्रीज जो आउटपुट हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड हैव अ टैब ऑन ऑल ऑफ दीज. देन ये जो सेकेंड न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट फूड ग्रेन स्कीम टिल नवंबर. कल प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया था, 16-मिनट एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने अनलॉक 2.0 की बातें की और ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है. इसका एडिशनल आउटले है 90,000 करोड़ का. ये बेनिफिट करेगी 80 करोड़ पीपल को. जब ये प्रॉब्लम आया कोविड का, तो हमारा पहला प्रायोरिटी था कि स्टारवेशन से कोई भी डेथ नहीं होना चाहिए. तो गवर्नमेंट इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो राइस, वीट और 1 किलो दाल, ये सब प्रोवाइड करा रही थी. ये अब बढ़ा दिया गया है जुलाई गुरु पूर्णिमा से नवंबर छठ पूजा तक. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे ट्रेडिशन कल्चर में है, इनके बारे में जानना है ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट. गुरु पूर्णिमा और ये छठ पूजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन फार्मर्स एंड द ऑनेस्ट टैक्स पेयर ने इस पूरे स्कीम को सक्सेस करने में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. हाउ? फार्मर्स ने ऐसे बिकॉज इस बार हमारे यहाँ बम्पर प्रोडक्शन हुआ है राबी क्रॉप का भी. हमने कल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स भी देखा था कि हमारे पास सरप्लस में है अभी हमारे स्टॉक्स. और ऑनेस्ट टैक्स पेयर बिकॉज टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट ये सारे मेजर्स कर पाती है. तो फार्मर्स एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ने मेड दिस पॉसिबल किया है. सो दिस इज नंबर टू. देन दीज आर COVID-19 रिलेटेड न्यूज़, COVID-19 अपडेट्स. फर्स्ट इज शार्प फॉल हुआ है इन रिपोर्टिंग ऑफ नॉन COVID-19 डिसीजेज. हाउ? सी COVID-19 के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट जब से COVID-19 आया है दूसरी सारी बीमारियों ने बैक स्टेज ले लिया है. तो इनमें शार्प रिपोर्टिंग में फॉल हुआ है. इसका एक रीज़न ये भी है कि बिहेवियरल चेंजेस भी हो रहा है, लोग ज़्यादा अलर्ट हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्रिवेंशंस ले रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और उससे ये जो दूसरी डिसीजेज हैं इनका नंबर कम हुआ है. और लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ COVID-19 के थ्रेट के कारण लोग रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. इसने प्रिवेंट किया है दूसरे डिसीजेस के आउटब्रेक को भी. स्टेट गवर्नमेंट मीनवाइल
डोर टू डोर कैंपेन रन कर रही है मध्य प्रदेश में, किल कोरोना कैंपेन जैसे अभी चला था। यूपी में पोलियो लाइक सर्वे हुआ है फॉर COVID-19। देन ये कुछ बैंड ऐप्स हैं। ये जो बैंड ऐप्स हैं ये अभी गवर्नमेंट ने बैन किए थे, 59 इन नंबर। नाउ इनको एक चांस मिलता है टू सेंड इन देयर सर्टिफिकेशन, अपील करने का, एक क्लैरिफिकेशन देने का चांस मिलता है इन्हें। ये जो बैन किए हैं ऐप, ये हमने किए हैं नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए। इस पे ट्विटर पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आई हैव शेयर्ड इट, हैव अ लुक। ये बैन जो किए हैं ऐप, ये क्यों इतना ज़रूरी था। ये जो बैन किया है हमने, ये IT प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 के अंतर्गत होता है। IT प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। सो दीज आर बैंड ऐप। एडिटोरियल में अभी हम इसका काउंटर व्यू भी देखेंगे। देन दीज आर कोर कमांडर्स होल्ड टॉक हियर। LSC का जो फेस ऑफ हुआ है इंडिया और चाइना में, अभी भी हमारा पहला प्रायोरिटी ये है कि हम टेंशन्स को ईज करें, अटेम्प्ट करें ईज टेंशन्स। देर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। हमारे यहाँ एक और इशू ये हो रहा है कि चाइना इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। उसका कहने और करने में बहुत डिफरेंस है। तो फिलहाल हम वेट एंड वॉच सिचुएशन है। मिलिट्री बिल्डअप दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने भी यहाँ पे काफ़ी फोर्सेस डिप्लॉय कर दिया है एंड वी आर रेडी। सो दिस इज़ कोर कमांडर होल टॉक, बट अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी है डिप्लोमेटिकली और पीसफुली इस टेंशन को रिलीज करना, ईज ऑफ करना यहाँ पे। देन ये दूसरे केसेस के रिपोर्ट्स फॉलो अप हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिपोर्टिंग कम है, लाइफ वापस आ रही है नॉर्मलसी की तरह। ये न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट पोबीतारा सेंचुरी इन मोरेगांव, राइनो विद इट्स काफ। यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड्स हमने पढ़े थे ब्रह्मपुत्र एंड दिस एंटायर चैनल। ब्रह्मपुत्र में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स हैं, यहाँ पे पूरे रिवर यहाँ पे बेसिन में राइनो यहाँ पे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। नॉट ओनली राइनो बट अदर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो सफरिंग। लेट अस टॉक अबाउट राइनो। ये राइनो भी हमने जून फर्स्ट वीक में डिटेल में ये देखा था, हेस्टी फीट आर्टिकल। ये इंडियन राइनो होता है, ये जो इंडियन राइनो है ये वन हॉर्न राइनो है, दिस इज वन हॉर्न राइनो। एंड बिकॉज ऑफ दिस हॉर्न राइनो का पोचिंग भी बहुत होता है। इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई थी इंडियन राइनो विजन 2020, हैव अ लुक। ये हमने जून फर्स्ट वीक में आई थिंक ये बहुत डिटेल में कवर किया है। काजीरंगा एंड पोबीतारा मानस में रिलोकेशन है, इसको बोलते हैं इंडियन राइनो विजन 2020। राइनो बिकॉज रिवराइन फ्लड प्लेन पे होते हैं तो ये प्रेफर करते हैं हैबिटेट ऑफ ग्रेजर्स, दे आर ग्रेजर्स। अब इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रहा है? स्पोर्ट्स हंटिंग, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, पॉपुलेशन डेंसिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, दीज आर सर्टेन रीजंस। स्टेप्स हमने क्या लिए हैं? इंडियन राइनो मिशन है, रीस्टोरिंग लैंडस्केप पे वर्क है, लोकल्स को हम यहाँ पे रोप इन कर रहे हैं उनके एफर्ट्स, इलीगल ट्रेड को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ट्रैफिक लाइक बॉडी, साइट्स लाइक बॉडीज, मॉनिटरिंग सेंसर्स, री इन्फोर्सिंग द लॉ एनफोर्समेंट। अब इसमें आप कैसे इसका पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हो? एंगेज करें कंजर्वेशन कमेटी में, विजिट पार्क्स, प्रोडक्ट इलीगल यूज़ नहीं करना चाहिए एनिमल प्रोडक्ट्स का, वाइल्ड लाइफ पार्ट्स को हमें यूजेज डिक्लाइन करना है, रिस्क टू वाइल्ड लाइफ लर्न एजुकेशन, स्प्रेड अवेयरनेस एंड इंस्पायर अदर। ये जो पूरा वाइल्ड लाइफ होता है ना, दे लिव इन को एग्जिस्टेंस विद अवर ह्यूमन, वी ह्यूमन्स। इसमें हमने एक और अभी पहले कुछ दिन पहले जब एलिफेंट का केस आया था तो हमने ये एथिकल एंगल में देखा था, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दिस वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड एनिमल्स डाई वाइल्ड फ्लीइंग अ पार्शली फ्लडेड काजीरंगा बिकॉज 2020 में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स हैं, साइक्लोन्स हैं, फ्लड्स हैं, COVID-19 है। अभी टाइगर भी हमने देखा था न्यूयॉर्क जू में, उसको COVID-19 हो गया था। सो एनिमल्स आर नॉट कम्प्लीटली रिस्क फ्री फ्रॉम दीज नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। तो एज ह्यूमन्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर के टाइम पे इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ का भी टेक केयर करें। तो ट्राई टू डिस्कस दिस थिंग। इसमें आप एथिकल एंगल लिख सकते हैं, हम बहुत अच्छे साइंटिफिक एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे। साइंटिफिक मतलब हमने जैसे टाइगर्स एंड लायंस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, राइनोज के लिए हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इसका जो हॉर्न होता है उस हॉर्न को एक पिंक डाई से कन्वर्ट करने की बात थी ताकि उसकी इलीगल पोचिंग एंड ऑल स्टॉप हो सके। तो देयर आर सो मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल, साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव्स। ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट
डिस्कस अवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। इसको कनेक्ट करिए आप सिलेबस से, और इसमें फिर एनरिचमेंट के लिए जो न्यूज़पेपर में हम डिफरेंट टैम्पलेट्स देखते हैं उनको आप इस पर ओवरले करिए। ओके, जैसे एक अर्बन वाइल्ड लाइफ का हमने बेंगलुरु में देखा था, अर्बन जो बेंगलोरियन है ये आगे बढ़ के वहाँ की जो अर्बन वाइल्ड लाइफ है उसको हेल्प कर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर, ट्राई टू डिस्कस इट। देन दिस इज़ पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 है, ये है कोविड 19 शेडो ऑन अषाढ़ी एकादशी। सी, ये इंडियन जो हमारे लोकल होता है उसमें ये सारे मंथ्स होते हैं, तो आषाढ़ की जो एकादशी है उसमें अभी कोविड 19 का शेडो आ रहा है। कहाँ पर? पंढरपुर में, यहाँ म्यूटेड सेलिब्रेशन है। यहाँ पे ऐसे पालकी प्रोसेशन होता है, वर्करी होते हैं डिवोटी, ये अंडरटेक करते हैं वारी बोलती है पिलग्रिमेज को, वारी बोलते हैं, तो वारी वर्करी इज़ डिवोटी एंड वारी इज़ दिस पिलग्रिमेज। ये ट्रेडिशन कंटिन्यू है। तो इधर इस बार बिकॉज कोविड 19 हो गया तो बड़े बड़े जैसे रथ यात्रा में भी हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड सेलिब्रेशन थे, तो पादुका जो है फुटप्रिंट्स हैं उनको यहाँ पे ऐसे कैरी करके लेके गए हैं, संत तुकाराम का और संत ध्यानेश्वर का, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ये स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन से ऐसे इस बार अरेंज किया है। बिकॉज ऑफ कोविड 19 सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स भी यहाँ पर हम मना रहे हैं। संत तुकाराम बहुत इंपॉर्टेंट है, संत ध्यानेश्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन बोथ ऑफ दीज। सो दिस इज कोविड 19। ये है एडिटोरियल, स्टेट्स होल्ड द की, अनलॉक 2.0 है, फाइनली ट्यून स्ट्रेटजीज हैं फॉर डिसीज कंट्रोल एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटी अब नीडेड है। अनलॉक 1.0 था, सर्टेन रिलैक्सेशन हुए, अब अनलॉक 2.0 है, थोड़े और ज़्यादा रिलैक्सेशन होंगे, बट कोविड 19 के केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और स्टेट्स को ज़्यादा पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट फेज जो नेशनल लॉकडाउन का था, हमने पैंडमिक टेस्टिंग ट्रेसिंग क्वारंटाइन ट्रीट किया पेशेंट्स को, और हमने इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक, स्पेशली जो मोर्टैलिटी है इंडिया में, मोर्टैलिटी मतलब डेथ बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19, ये काफ़ी कम रखी है, हमने फ्लैटन किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब हमें ज़रूरत है कि हम एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें, जिससे जो स्टेट्स होते हैं, ये जो कोविड 19 के केसेस आते हैं ये कंटेनमेंट जोन्स होते हैं, जैसे कुछ स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, तो लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए स्टेट्स को एम्पावर करना पड़ेगा कि अगर से दिल्ली में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, तमिलनाडु चेन्नई में आ रहे हैं, गुवाहाटी को जैसे कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग ज़रूरी है, सेरोलॉजिकल सर्वेज किए गए थे जैसे दिल्ली में, टारगेटेड लॉकडाउन किया जाना चाहिए जैसे गुवाहाटी में, एनकरेज करें हेल्दी बिहेवियर। क्वांटम ऑफ राशन जो अभी हमने पढ़ा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, ये कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सीनियर सिटीजन्स और जो वल्नरेबल हैं सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आपके फैमिली में, आपके आसपास, उनका ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। जो आने वाले हफ्ते हैं इसमें सोशल इम्परेटिव नीड टू बी एड्रेस्ड। हॉल्ट द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ कोविड 19 शुड बी अवर प्राइमरी मोटिव। ये जो नंबर बढ़ रहे हैं कोविड 19 के, इसको फ्लैटन करना आप ज़रूरी है, और इसके लिए स्टेट्स होल्ड द की, डिसेंट्रलाइज करना पावर अथॉरिटी को, एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट्स होल्ड द की। नाउ दिस इज कंट्रोल नॉट डिलीट, यहाँ अपन दूसरा व्यू पॉइंट देखेंगे कि जो एप्लीकेशंस को हमने बैन किया है दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, डिस्पाइट प्राइवेसी इशूज़ तो हमेशा से होते रहे। एप्लीकेशन में आप एक काम करो, आपके मोबाइल में आपने कितने ऐप इंस्टॉल किए हैं, उस ऐप को आपने क्या क्या परमिशन दिया है, हैव अ लुक, वो आपका गैलरी, SMS, कॉन्टैक्ट, कॉल, दे कैन एक्सेस सो मैनी थिंग्स। तो प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू है, और प्राइवेसी एक मिथ भी माना जाता है, काफ़ी सारे ऐप हैं। अब इसको हम नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्ट करेंगे तो इट इज़ समथिंग एल्स। ये जो कंसर्न्स हमने किए हैं ये प्यूराइल हैं, हमने ये अच्छा काम किया, बट इसके जो कारण बताए हैं उस पर थोड़े सवाल उठते हैं। ये मैसेज टू चाइना है, दिस इज़ द मेन थिंग, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नाउ वी हैव टू सी। डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज़ अलार्मिंग, जैसे हम खुद को बोलते हैं हम फार्माक्यूटिकल का हम बैकयार्ड हैं, हम बहुत बड़ा पावर यहाँ पे
डोमिनेट करते हैं, बट एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट है इसका 70% जो इंग्रेडिएंट आता है दवाइयाँ एंड एट्सेट्रा बनाने के लिए, वो आता है चाइना से. इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना पे डिपेंडेंट है, इवन स्पोर्ट्स टॉयज सो मेनी थिंग एमएसएमई का जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन चाइना, विच इज़ एन अलार्मिंग थिंग. नाउ सेमीकंडक्टर्स और एपीआई टेलीकॉम एट्सेट्रा इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो ये जो कंसर्न्स हैं दीज आर प्यूराइल. चाइना में एक्सप्लेनिंग द बैन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइट किया था कि जो इमर्जेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स हैं पोस्ड बाय द एप्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो हैं दैट दे आर एंगेज इन एक्टिविटी, ये हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे एक सवाल उठाते हैं. ऐप्स जो हैं ये स्टील कर रहे हैं, हमारा डेटा यूज़ कर रहे हैं और इससे हमारा सिक्योरिटी थ्रेट होता है, ये हमने रीजंस दिए. बट वी आर जस्ट हिटिंग द डिलीट बटन और ये केवल स्क्रैच कर रहा है सरफेस ऑफ द प्रॉब्लम को. जो जो रियल प्रॉब्लम है ना वो रियल प्रॉब्लम आपकी दीज ऐप्स नहीं, वो जो रियल प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सेल्फ रिलायंट नहीं है. दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो कंट्रोल नॉट डिलीट इज़ द सॉल्यूशन. Then in ending standoff, magnanimity must prevail. In ending standoff, magnanimity must prevail. यहाँ पे बात है इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ कॉल्स फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन एंड हैज़ नो प्लेस फॉर मोरल आउटरेज और मिलिट्री माइट. यहाँ पे भी काउंटर व्यू पॉइंट है कि ये हमें पीसफुली अभी भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. हम अक्सर बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम इज़ अवर थिंग, अर्थ इज़ वन फैमिली, इट इज़ नॉट इन इंडियाज़ डीएनए. इंडिया ने कभी किसी दूसरे को डिमोनाइज नहीं किया है. पास्ट में भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हुए बट उसका सेटलमेंट नहीं हुआ. अगेन वी नीड टू हैव अ कूल हेड. मीनवाइल वी नीड टू अंडरस्टैंड चाइना. चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया था टू रिकोगनाइज द मैकमोहन लाइन, डीमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज डन बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर. और अक्साई चिन पे भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं और इधर अरुणाचल पे भी क्लैश होते हैं दोनों कंट्री के. अब इसके बाद हमने मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया चाइना बॉर्डर 1993 हुआ, हमने बोला कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हम पीसफुली रिजॉल्व करेंगे. अगर पेट्रोलिंग में दोनों पार्टीज आमने सामने आती है फोर्सेस तो वी वुड बी हैविंग सर्टेन प्रोटोकॉल. बॉर्डर एरिया के लिए ये ज़रूरी था, इसने काफ़ी हद तक वहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन किया. बट चाइना ओवर द पावर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, सुपर पावर बनना चाहता है वो, इंडिया को अपने से इक्वल नहीं मानता है और वो अपना यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता है इंडिया और एस्पेशली दिस साउथ एशिया में. हमने ये पहले भी देखा था, चाइना ओपनली डिफाई करता है, ब्लेटेंटली इग्नोर करता है वर्ल्ड नॉर्म्स को भी. अंक्लॉस को उसने कोई रिगार्ड नहीं दिया साउथ चाइना सी इशूज़ में. इंडिया को मीनवाइल वे इन करना चाहिए अपने ऑप्शंस, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स अभी ओपन रखने चाहिए, इकोनॉमिक माइट मीनवाइल अपनी स्ट्रेंथन करना चाहिए. पॉलिसी ऑफ बॉयकॉट जो है इसके लिमिटेड आउटकम्स होते हैं और ये डबल एज्ड सॉर्ड भी है, इससे हमें नुकसान भी होगा, चाइना भी हमें रिटेलिएट करेगा, तो वी विल ऑल्सो हैव टू फेस सर्टेन डिफिकल्टी. प्रैग्मेटिक अप्रोच यहाँ पर रिक्वायर है. देन दिस इज़ द 11th वन, यूटिलाइज एमजी नरेगा टू द फुलेस्ट. यूटिलाइज एमजी नरेगा टू द फुलेस्ट कैपेसिटी. सी ये जो एमजी नरेगा है, अगेन 25th ऑफ मे को हमने पढ़ा, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. इंडियन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है, गारंटी करता है राइट टू वर्क, एनहेंस लाइवलीहुड, 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है फाइनेंशियल ईयर में. हर हाउस होल्ड का एडल्ट मेंबर जो वॉलंटियर करना चाहता है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को, वो ये काम कर सकता है. हमें इसमें ये काम करना है, ड्यूरेबल एसेट बनाने हैं, रोड कैनाल्स पॉन्ड्स वेल्स एट्सेट्रा. एम्प्लॉयमेंट जो है ये 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ रेसिडेंस में उसको दिया जाता है, और अगर वर्क नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट और अलाउंसेस भी जो हैं लीगल एंटाइटलमेंट ये नहीं मिलते हैं. नाउ दिस इज लीगल एंटाइटलमेंट है, वो इसको वो मांग सकता है अगर उसको काम नहीं मिला है तो. ये इम्प्लीमेंट होता है ग्राम पंचायत से, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे रहा है, रूरल एसेट क्रिएट हो रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिल रहा है, विमेन एम्पावरमेंट, रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन. सो दिस इज़ अ विन विन थिंग. सो दैट इज़ वाई डिस्पाइट, जैसे आपने कमेंट्स में बताया था कि एम जी नरेगा में क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ सस्टेनेबल ड्यूरेबल एसेट्स नहीं बन रहे, बट अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ वाई नो मैटर विच गवर्नमेंट इज़ इन पावर, वो कभी इसको स्टॉप नहीं करता है एम जी नरेगा को. एवरीबडी प्रमोट दिस एम जी नरेगा स्कीम.
एमजी नरेगा स्कीम में अब जरूरी है टाइमली वेज पेमेंट का। इसमें यू रॉट सम वेरी गुड क्वेश्चन आंसर्स एज वेल कि एमजी नरेगा को हम इवॉल्व कैसे करें विद द चेंजिंग टाइम। फॉर एग्जांपल अर्नस्ट एंड यंग ने आइडियाज़ दिए थे कि जो कॉफ़ी प्लांटेशन वर्कर्स हैं यहाँ पे आप एमजी नरेगा के वर्कर यूज़ करो, जल जीवन मिशन में एमजी नरेगा यूज़ करो। सो हमें इस स्कीम को मॉडिफाई करके इवॉल्व कर सकते हैं। बट अब यहाँ क्या आया, रोजगार अभियान आया। ये रोजगार अभियान जो अभी रिसेंटली एक कन्वर्जेंस स्कीम था, ये जो अभियान है ये 116 डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे सवाल ये उठा है कि आपने ये 116 डिस्ट्रिक्ट कैसे चूज़ किए, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये नॉट यूनिवर्सलाइज्ड है। देन जो रोजगार अभियान है ये बेसिकली कल्मिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स का, तो यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स भी हैं। तो द पॉइंट इज, इफ़ यू ऑलरेडी हैव दिस एमजी नरेगा, वाई डोंट यू इम्प्रूव इट, फिक्स इट, रिफाइन इट? देर इज़ नो वाई वी आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट इन ओवरलैपिंग डिफरेंट स्कीम। टाइम बाउंड इंटेंसिव एफर्ट यहाँ पे ज़रूरी है। तो सरकार ये बोलती है कि रोजगार अभियान हम इसलिए लेके आए हैं बिकॉज दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम, एमजी नरेगा तो ऑन गोइंग है, आगे भी चलता रहेगा। बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स के कारण शॉर्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा नेसेसिटी आ गया है एम्प्लॉयमेंट देने के कारण, तो इसीलिए हम रोजगार अभियान लाए हैं टाइम बाउंड इंटेंसिव एफर्ट्स देने के लिए। सो यूटिलाइज एमजी नरेगा टू द फुलेस्ट कैपेसिटी इज द आर्ग्यूमेंट ओवर हियर। यहाँ है मेकिंग ट्रेड मोर डिजिटाइज, ट्रेड में हम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, डिजिटल जो स्लिप्स हैं एंट्री एंड आउट, इसको करें तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देन दिस इज रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना, रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना, दिस इज सार्क। सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क। इसके मेंबर क्या हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये एसोसिएशन वॉज फाउंडेड ऑन 1985। अब सार्क बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था बट सार्क ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया नहीं है, ग्रोथ हुआ नहीं है। यहाँ पे हमने एक और आर्टिकल कल देखा था जिसमें बोला था कि जो रीजनल आइडेंटिटी है वो मिसिंग है और दैट इज़ अ बिग कॉज ऑफ वरी फॉर दिस साउथ एशियन नेशंस। हमें ज़रूरत है कि हम डीपर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखें। अगर आप ये सारे कंट्रीज़ देखो ना, इन सब कंट्रीज़ का मोर ऑर लेस सेम प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट कम है यहाँ पे, देन पॉवर्टी ज़्यादा है यहाँ पे, सब डेवलपिंग फेज में है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो मिसिंग है, गुड गवर्नेंस सब चाहिए। तो देर आर मोर सिमिलैरिटी इन दिस रीजन देन डिससिमिलैरिटी, सो देर आर लिटिल रीजन्स टू हैव डिफरेंसेज। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है और इससे क्या होगा, सभी को बेनिफिट होगा, हम परस्यू करें इंडिया के नेबर्स के साथ। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो चाइना क्या करता है, वो गैप फिल करता है। चाइना जैसे अभी श्रीलंका को वो कर रहा है, बांग्लादेश को वो बोलता है हम इजी लोन्स आपको दे देंगे। सो चाइना जैसे एक पॉलिसी भी बोल रहे थे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉसिबली चाइना इज़ ट्राइंग टू डू, तो चाइना इज़ ट्राइंग टू गेट क्लोजर विद अवर नेबर। और इससे अगर इंडिया यहाँ पे जगह खाली करता है, वैक्यूम करता है, तो चाइना मोर देन विलिंग होता है उसको फिल करने का। सो दैट इज़ वाई इंडिया को ज़रूरी है वो अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए। बिमस्टेक हम सोचते हैं ग्रो करना बट बिमस्टेक जो है इसकी लिमिटेड रीच है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज़रूरी है, ये विन विन फॉर ऑल रहेगा, इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चैलेंजेस अब क्या आते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन। जैसे बांग्लादेश में आप देखो इनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, पाकिस्तान में अपना एक अलग नैरेटिव चलता है, नेपाल में अभी नेशनलिज्म और डोमेस्टिक कंपल्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये डोमेस्टिक कंपल्शंस और नेशनैलिटी और इन सब का क्लैशेस भी हो जाते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन और सिक्योरिटी इशू इज़ वन थिंग। FATF ने भी अगर बताया है यहाँ पे, अगर टेररिज्म रिलेटेड स्टेट फंडेड टेररिज्म हो रहा है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, उससे पूरा रीजनल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इन दो चीज़ों ने इस सार्क को फुल पोटेंशियल अचीव करने से स्टॉप किया है, बट वी नीड टू एड्रेस दिस थिंग। देन दिस इज रिसीविंग रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना। और ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन। मीनवाइल स्टेटस को चेंज हो गया है पेंगोंग सो पे, नाउ सीरियसली कंसर्न बाय बैन ऑन एप्स। ट्विटर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल अभी शेयर किया है, उसमें ये लिखा है कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि जो हमें प्रोवोक किया जा रहा था बॉर्डर, लैंड बॉर्डर और इन सब में रिप्लाई करने का, हमने रिप्लाई किया वेर इट मैटर्स मोस्ट, इकोनॉमिक, डिजिटल, टेक्नोलॉजी इन दिस प्ले, डिप्लोमेसी वर्ल्ड लेवल, दिस इज़ अ वेरी वाइज थिंग डन बाय इंडिया।
Then this is online education. This is again very very important. Online education college university student को government इसको promote कर रही है काफ़ी ज़्यादा. प्रॉब्लम ये है, सोशल इनइक्वालिटी है ऑनलाइन एजुकेशन में. ये हमने देखा था, डिजिटल डिवाइड है. मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, गैजेट्स, इंटरनेट कनेक्शन, ये अभी भी लग्जरी है. इट इज़ नॉट अवेलेबल, सबके पास नहीं है अभी. तो सोशल इनइक्वालिटी एक थिंग है. इंटरनेट, गैजेट्स, ये असेंशियल्स हैं. तो इन असेंशियल्स को वाई नॉट सरकार प्रोवाइड. टाइम टू ब्रिज द गैप है ये. यहाँ एक बात और लिखा है कि जैसे स्कूल्स हैं, अभी स्कूल्स 31 जुलाई तक बोला है बंद रखना है. अब इसके बाद स्लोली इनको ओपन करना पड़ेगा. तो हम बिहेवियरल चेंजेस और क्या नया करें कि इस पॉज के बाद हम एक गुड स्कूलिंग एंड एजुकेशन सिस्टम ला सकें पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड में. जैसे कि वॉश टाइप मेजर्स हैं, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन फैसिलिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हर स्कूल फैसिलिटी में होना चाहिए. सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट मटेरियल, टेम्परेचर चेकिंग एंड ऑल. और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है अवेयरनेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और जो रॉन्ग प्रेसिडेंट अभी जो सेट हुआ है उसको हम चेक इन करें. ओवर्ट कमर्शलाइजेशन जो होता है, कॉरपोरेटाइजेशन जो हो रहा है एजुकेशन का, दिस ऑल्सो वी नीड टू स्टॉप बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल. कमर्शलाइजेशन, ओवर्ट कमर्शलाइजेशन एंड कॉरपोरेटाइजेशन जो एजुकेशन सिस्टम का है, दिस वी नीड टू चेक. देन ये जो न्यूज़ है, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. 46 मिलियन गर्ल्स वेंट मिसिंग इन इंडिया. ये एक बहुत सोचने वाली बात है. जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्शन जो होता है उसके कारण इतनी सारी गर्ल्स वर मिसिंग इन इंडिया. 1 in 3 गर्ल मिसिंग ग्लोबली ड्यू टू दिस प्री एंड पोस्ट नटाल. एंड ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है दिस UNFPA पॉपुलेशन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट जो भी ट्यूजडे को रिलीज हुआ है. ये नंबर हैं, दीज आर नॉट एट ऑल गुड. सी इंडिया 13.5, 11.7 है ओवरऑल फीमेल अंडर 5 मोर्टैलिटी. ये एस्टिमेट बताता है 1 in 9 हुआ है एज ऑफ 5 में. एंड वाई? बिकॉज ऑफ एक दो रीजंस हैं. एक तो सोसाइटी और दूसरा यहाँ पे ये प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं अपन. लॉज जो हैं उनका प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं हो रहा है. इंडिया में 13.5 आउट ऑफ 1000 फीमेल बर्थ के टाइम पे यहाँ पे मिसिंग होती हैं. देन 1 out of 9 बिलो 5 ईयर. दीज आर वेरी वेरी स्कैरी नंबर्स. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो हुए हैं तो इसका हमने यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं. अल्ट्रासाउंड मिसिंग बिफोर बर्थ हो जाता है, दैट इज़ अनदर यहाँ पे नंबर है जो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है. देन स्क्यूड रेशो इससे बनता है. और ये जो स्क्यूड जेंडर रेशो होता है, इसके डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सोसाइटी में और आने वाली जनरेशन में. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी नीड टू एड्रेस. इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन. और दूसरी प्रॉब्लम होती है सोसाइटल जो माइंडसेट है, पैट्रियार्की है, दैट नीड टू चेंज, दैट नीड टू गो. तो लेट अस ट्राई टू हैव अ कंपाइलेशन. कंपाइलेशन करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स का और जो दूसरे ऐसे एफर्ट्स किए हैं टू स्टोर बैलेंस. जैसे गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम. एक उज्ज्वला स्कीम आती है. एक दिस प्री कंसेप्शन प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट होता है. एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है. इसमें जो बच्ची होती है उसके लिए आप एक बैंक अकाउंट ओपन करो, उसमें बहुत अच्छे आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलते हैं और सिक्योरिटी रहती है 18 ईयर्स समथिंग. तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. इसमें आप पैसे जमा करो, उससे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. सुकन्या समृद्धि अकाउंट. तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड मेक अ कंपाइलेशन. एक और बहुत जो ज़रूरी चीज़ होगी वो होगी कि हम सोसाइटल बिहेवियर और जो माइंडसेट है इसको वर्क करें. चेंज इन सोसाइटल माइंडसेट इज़ नेसेसरी. ओके, तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. फिर ये वर्ल्ड न्यूज़ है. वर्ल्ड न्यूज़ में चाइना डिस्पाइट ओपोजिशन, हांगकॉन्ग सिक्योरिटी लॉ, मोस्ट रेडिकल चेंज, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी थी. हांगकॉन्ग जो था पहले वो ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था. हांगकॉन्ग बाद में चाइना को ट्रांसफ़र हुआ इन कंडीशन कि वन सिस्टम वन कंट्री डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा. हांगकॉन्ग में रहती है डेमोक्रेसी. चाइना इस डेमोक्रेसी को कर्ब करना चाहता है. US ने कहा बिगिन विदड्रॉविंग स्पेशल स्टेटस जो हांगकॉन्ग को दिया है उसको विदड्रॉ कर लेंगे. मीनवाइल जो श्रीलंका है, श्रीलंका इज़ आस्किंग फॉर दिस लोन मोरेटोरियम. श्रीलंका इज सेइंग कि वी आर नॉट एट अ पोजिशन टू पे यू बैक योर मनी, सो हमें लोन का मोरेटोरियम चाहिए.
देन दिस इज बिजनेस न्यूज। यहाँ हम बात करेंगे एक्सटर्नल डेट, जो उधार लिया है वो इंडिया का राइज हो गया है दिस डॉलर 558.5 बिलियन। ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है। इसका एक और रीज़न है वैल्यूएशन राइज होने का, बिकॉज डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है रुपी के कंपैरिजन में, तो एप्रिशिएशन ऑफ यूएस डॉलर है, तो ये नंबर भी अपने आप बढ़ जाता है। कमर्शियल बोरोविंग का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है इस फिगर में 558 में, ये लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट है। करेंट अकाउंट जो है इसमें अभी स्मॉल सरप्लस हुआ है, ट्रेड डेफिसिट क्योंकि श्रिंक हुआ है। क्या होता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। हम पूरा जो वर्ल्ड होता है ना, ये एक यूनिटी में वर्क करता है। हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं, हम सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो पैसे ले रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम वो पैसे से वो चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये पूरा BOP चलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कमर्शियल बोरोविंग जो थी, इसको टोटैलिटी में देखते हैं, कमर्शियल बोरोविंग का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, और एक्सटर्नल जो डेट है, एक्सटर्नल डेट भी हमारा ये था बिकॉज इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो हम डेट के लिए भी ओपन है। इस डेट में, एक्सटर्नल डेट में, US डॉलर डिनोमिनेटेड जो है ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट है 53.7%, इंडियन रुपी 31, येन करेंसी कहाँ की है बताइए, येन 5.6% है, SDR 4.5 है और यूरो 3.5% है। तो ये ब्रेकअप है इस परसेंटेज का 558.5 बिलियन का, दिस इज़ द ब्रेकअप। और ये करंट अकाउंट है, तो ये पूरा टोटैलिटी में चल रहा है हमारा। अगर हमारे पास से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सटर्नल डेट में हमें फ़ायदा होगा, बिकॉज हमारा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व भी बढ़ेगा, ज़्यादा पैसे आएंगे हमारे पास और हमें उधार लेना कम पड़ेगा। ये जो करंट डेफिसिट है, कंट्रीज़ करंट अकाउंट है, ये कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कैपिटल अकाउंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट। गवर्नमेंट और प्राइवेट पेमेंट दोनों इसमें इंक्लूड होता है करंट अकाउंट में। इसको करंट अकाउंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो होती है वो कंज्यूम होती है करंट पीरियड में, करंट ईयर फिस्कल ईयर इसमें कंज्यूम हो जाएगी, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दिस करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट पीरियड है हमारा, तो इसमें छोटा सा सरप्लस हुआ है बिकॉज डेफिसिट भी हमारा श्रिंक हुआ है। एक और बात हो रही है, वो हो रही है क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो गया है। क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ है और क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब इंपोर्ट करने में कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इसने भी हेल्प किया है हमारे इस सरप्लस में। अब इंडिकेटर जो होता है ये फॉरेन ट्रेड का होता है। अगर सरप्लस है मतलब एक्सपोर्ट इज़ मोर, डेफिसिट है मतलब इंपोर्ट इज़ मोर। तो हमें हर कंट्री कोशिश करती है कि जो उसका फॉरेन ट्रेड है वो सरप्लस में रहे। चाइना के साथ जैसे अपन 100 बिलियन डॉलर टच कर रहे हैं बट वो डेफिसिट है, हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। देन दिस इज़ रेयर फाइन, ये स्वान फ्लावर्स मिले हैं, डांसिंग काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। ये प्लांट है थॉट टू बी एक्सटिंक्ट हो गए थे, ये 135 ईयर्स बाद सिक्किम में अभी मिले हैं। देन दिस इज़ मिसलेनियस न्यूज़, दिस इज़ मिसलेनियस न्यूज़। आज का जो दिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज आज डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, आज चार्टेड अकाउंटेंट डे भी है बिकॉज ICAI 1949 में कोमेमोरेट करते हैं उसके फाउंडेशन को, और आज सोशल मीडिया डे भी है। ओके, दीज ऑल डेज आर सेलिब्रेटेड टुडे। देन ये आज के क्विज हैं, आज हम देखते हैं मॉडर्न इंडिया क्विज 1 जुलाई 2020। पहला जो सवाल है वो नॉट है, जहाँ भी नॉट मिलता है ना उसको तुरंत ऐसे गुला करना है ताकि सिली मिस्टेक नहीं हो कि यहाँ पे नॉट पूछा था और आपने करेक्ट आंसर कर दिया। नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में बनी थी, WC व्योमेश चंद्र बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, 72 डेलीगेट्स थे, ऑल प्रेसिडेंसीज प्रोविंसेस ऑफ इंडिया बॉम्बे में मिले थे, और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो ब्रिटिश प्रोफेसर थे उन्होंने इसको फाउंड किया था। इसमें से नॉट ट्रू मतलब गलत कौन सा है ये बताना है आपको। सेकेंड, ये पहला था, ये दूसरा है, ट्रू अबाउट बाल गंगाधर तिलक जी। अभी हमने पढ़ा था लाल, बाल और पाल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में नॉट ट्रू, अगेन नॉट ट्रू। गीता रहस्य, गणपति फेस्टिवल, केसरी इन इंग्लिश और होम रूल लीग इन 1916, तो इसमें गलत क्या है आप बताइए। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ये जो एक्ट है ना, जैसे 1773 से इनके ब्रिटिशर्स ने रेगुलेटिंग एक्ट लाना चालू कर दिया, पहले ये 20-20 साल में आ रहे थे, 93 में आएगा, फिर 13 में आएगा, 33 में आएगा, 53, फिर 57 का रिवॉल्यूशन हो जाएगा, फिर एक्ट्स के नाम चेंज हो जाएंगे, फिर काउंसिल एक्ट्स एंड ऑल, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1919, 1935 एंड ऑल। ये जितने भी एक्ट हैं ये हैं इंडिया को
बेटर गवर्न करने के लिए। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये आया था, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 84 में, 73 में, 93 में या 13 में। देखो ये 20-20 ईयर्स बता रहे हैं, 73, 93, देन 18, 13। तो जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो किस में इंट्रोड्यूस हुआ था, टेल द नेम ऑफ दैट एक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना एंड सी रूट। पहले एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसने काफ़ी मोनोपोली कर दिया। फिर जो ब्रिटेन था, जो गवर्नमेंट थी, वो इसकी मोनोपोली कम करना चाहती थी, यूके की गवर्नमेंट, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी। तो ऐसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए 1813 में, फिर 1833 में इसको और फर्दर किया गया। तो वो कब आए थे, 84, 13, 33 और 73 में। तो यह मोनोपोली क्या है, चाइना और सी, दिस ईस्ट इंडिया कंपनी विद चाइना एंड सी रूट ऑल्सो। देन विच ऑफ द एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था, 84, 13, 93 एंड 73। वॉट इज द नेम ऑफ दैट एक्ट, दिस इज ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद चाइना एंड सी रूट, दिस इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डुअल सिस्टम, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में है और ये नेशनल कांग्रेस के बारे में है। ये मिसलेनियस रेयर फाइंड है। यहाँ हमने देखा कमर्शियल बोरोविंग, करंट अकाउंट, चाइना, यूएसए, श्रीलंका, हांगकॉन्ग का सिक्योरिटी लॉ पास हो गया है। लेट अस ट्राई टू हैव अ कंपाइलेशन, कंपाइलेशन करें गवर्नमेंट की स्कीम्स का, एफर्ट्स का, टू स्टोर बैलेंस। देन ये काफ़ी न्यूज़ है, वी नीड टू अंडरस्टैंड 46 ईयर पे मिसिंग है सोसाइटल एंड दिस चेंज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेंटर फोकस कर रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में, ओवर्ट कमर्शलाइजेशन एंड कॉरपोरेटाइजेशन इज़ नॉट राइट, रिवाइव करें सार्क को, यूटिलाइज करें एमजी नरेगा टू द फुलेस्ट, स्टैंड ऑफ जो है उसमें मैग्नानिमिटी होना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करें डिलीट नहीं करें ऐप्स के बारे में, स्टेट्स होल्ड द की अनलॉक 2.0, संत तुकाराम और संत ध्यानेश्वर आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन राइनो असम डिल्यूज, एलएससी फेस ऑफ, बैंड ऐप, कोविड-19 अपडेट, फ्री फूड ग्रेन स्कीम, वोकैबुलरी एंड दिस इज 1st of July 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।